हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, हम उठे हैं सो के, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। सो यहाँ पर मैं अपने बाल देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ से थोड़ा खालीपन दिखने लगा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होता है अब, तो इस वजह से। आफ्टर प्रेगनेंसी तो कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, उससे पहले तो बहुत था बट इतना नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम हो। सो यहाँ पर अभी मैं अपने स्किन केयर कर रही हूँ, वही देख रही थी मैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं मेरे स्किन केयर को, मैंने कंटिन्यू किया है गर्मियों में तो, और अब काफ़ी चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ जिससे कि अब हेल्दी रह सके बाल के लिए भी, स्किन के लिए भी। सो यहाँ पर मैंने अपना सारा मॉर्निंग का जितना भी काम होता है सब कुछ फिनिश करके यहाँ अपने नाश्ता कर लिया था, जो अभी दिखाया। पहले बताओ क्या खा रही हो? करूँगी मैं, एक्चुअली अभी रख दिया था तो स्प्राउट है उसमें। और बता दो, बाल देखो मेरे भूत के, बताएगी नहीं ना, गंदा बच्चा बन गया फिर तो। उनको बता दो क्या खा रही है रीवा। मम्मी खा रही है, पता चला सबको, दे दो सबको, मम दे दो थोड़ा सा, सब कह रहे हैं रीवा हमें भी दे दो, मम दे दो। रीवा का देखो कितना सारा सामान रखा है पीछे, दे दो ना मम, फोन को मम खिला दो। तो अभी चाय वाय पी के मैं जाऊंगी मार्केट, रीवा के लिए कुछ सामान लाना है मुझे। काफ़ी दिन से जाना हो नहीं पा रहा था क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुझे निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे स्प्राउट हो चुके हैं, कपड़े में से निकाल लिए, फिर मैंने थोड़ा सा बॉईल किया उसको और अपनी चाय के साथ खा लिया। इसमें हल्का सा हींग और नमक डाला था जिससे कि थोड़ा फ्लेवर आ जाए, बाकी इसमें और कुछ नहीं मैंने ऐड किया। फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगी मार्केट के लिए। मैं वंश को लेकर चली गई थी अपने साथ, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा देखो। बस निकल चुके हैं हम यहाँ पे, मिलते हैं आगे, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। जो भी चैनल पे नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा चैनल और ग्रो कर पाए। फाइनली हम पहुँच गए हमारी लोकेशन पर। यहाँ पर मैं रीवा के लिए ये छोटे छोटे सैंडो बनियान जैसे जो होते हैं, ये डेली यूज़ के लिए इनमें से ले रही थी। इसमें कलेक्शन ज़्यादा थे नहीं, एक ही दो कलर ज़्यादा मतलब थे, और जिनमें से मुझे ये थोड़ा सा ग्रेइश वाइट और येलो वाला, यही दो मैंने ले लिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जो रीवा के पहले वाले थे वो छोटे छोटे आ रहे थे, अभी सर में नहीं आ रहे थे, बाकी तो थे उसके पास। और कपड़े इतने सारे हैं बट सारे फुल स्लीव्स के हैं, और तो और गर्मी का मौसम ऐसा है कि रात को उसको नाइट सूट मैंने ले लिया क्योंकि एसी में सोती है तो दिक्कत होती है फिर हल्का कपड़ा पहना के सुलाने में। यहाँ पर ले चुके हैं हम, और यहाँ पे मैं देख ही जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इसके साइज़ ना बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। एक ये जंप सूट टाइप का होता है, इसको भी मेरे को लेना था बट इसका साइज़ नहीं मिल रहा था, 1 से 1.5 साल वाला नहीं मिल रहा था मुझे, सारे 2 साल के थे या फिर 3 महीने 6 महीने वाले थे। एक तो ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इस टाइप का लिया है रीवा के साइज़ के अकॉर्डिंग, और एक और भी लिया है, शायद अब भी आगे मैं क्लिप में दिखाऊं। और ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था ना, ये बस 3 मंथ की बेबी का था, थोड़ा बड़ा होता तो मैं रीवा के लिए ले लेती बट बहुत क्यूट लग रहा था। उसके बाद वंश को लेना था अपने फ्रेंड के लिए एक मग, जो कि उसके फ्रेंड का बर्थडे है तो गिफ्ट करने के लिए। यहाँ पर मैंने मग का सेक्शन था वहाँ लेकर गई क्योंकि यहाँ के मग काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट मुझे भी लेना है लेकिन मेरे को मिल नहीं पाया। जो यहाँ पर्पल वाला टंगा है मुझे इसके इसमें का बड़ा लेना है क्योंकि ये बहुत छोटा है। और उसके बाद वहाँ से शॉपिंग में मैंने ये कोरियन नूडल्स भी लिए थे, नॉर के, कोरियन स्टाइल के हैं नॉर के। इसको प्राची ने प्राची से बनवाया था मैंने, उसने बनाया और हम लोगों ने खाया, बहुत टेस्टी लगा। माऊ आएगी वहां पे, काटी करेगी माऊ, जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ जाओ ना आगे, चलो बॉल का है रीवा की, बॉल लेकर आओ, आ जाओ बॉल लेके, लाओ मुझे फेंक के दो। अरे वाह, हाँ कौन है ये, जय कर लो, गन्नू भैया है ना, जय करो दोनों हाथ से, हाथ जोड़ के करो, हाथ जोड़ के करो, हाथ जोड़ के,
अरे वाह, आपने मम खा ली? मम कैसे खाई थी रीवा ने बताओ। अरे वाह, यहाँ पर मेरा ऑनलाइन आ गया था पार्सल, जो कि मैं देखने लगी थी। अभी मैंने इसको खोलने का मुझे टाइम नहीं मिला, बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी जब इसको मैं यूज़ करूँगी। ऐसे ही मैंने रख भी दिया था क्योंकि वॉइस ओवर में बहुत टाइम बात कर मतलब बहुत देर बात कर रही हूँ। और फिर अब फाइनली यहाँ पर मैं अपने लिए ये प्रोडक्ट खोल रही हूँ, जिसमें कि मेरी मेहंदी है, मेहंदी का सामान है सारा जो जो मैं लगाऊंगी अब, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने सब कुछ खोल के रख लिया। बाकी जो पुराने वाले पाउच थे वो भी ये आगे मेरे पड़े हुए हैं, थोड़े थोड़ा इनमें बचा हुआ था, पहले मैं वो यूज़ करूँगी उसके बाद ये करूँगी। और इसमें एक गड़बड़ हो गई है कि मेरे इसके प्रोडक्ट के अंदर दो पाउच सेम आ गए हैं, जबकि इसमें 8 का ये पैक होता है पूरा। तो बस अभी इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या किया, कैसे किया, बाकी इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हैं ये सारी चीज़ें मैं फिर कभी बताऊंगी आराम से। बट अभी मेरे को थोड़ी जल्दी थी तो मैंने सिर्फ इसको घोला और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, फिर पानी डाला इसमें नॉर्मली। और इसको मैं चाय की पत्ती या ऐसा कुछ पानी वानी नहीं डालती हूँ। सो यहाँ पर हो रहा है अभी रात का टाइम और मैं अपनी मेहंदी घोल रही हूँ बालों में लगाने के लिए। आज घोल के रखूँगी तो कल सुबह लगा पाऊँगी इसलिए। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मिक्स करी हैं, जो कि है यहाँ पर ये जितने भी पाउच दिख रहे हैं वो सारे के सारे इसमें मैंने डाले हैं। जस्ट एक चीज़ को छोड़ के मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी नहीं मैंने इसमें डाली है, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। और इनको सबको मिक्स करके अच्छे से ओवरनाइट रखूँगी क्योंकि इसमें आंवला पाउडर भी है जो कि थोड़ा सा फूल जाता है, अच्छे से पानी में भीगा हुआ रहेगा रात में तभी जाके अच्छा बनेगा। सो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इसमें मेरी शावर कैप वगैरह है, ग्लव्स हैं, और ये टोनर बनाने के लिए था मेरा, क्या है ये रोजमेरी सीड्स है, सीड्स नहीं है लीव्स हैं। सो ये सारी चीज़ें मेरी अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक ग्लव्स मेरा इधर पड़ा हुआ है, कल इसको यूज़ करूँगी क्योंकि नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएगा, काफ़ी टाइम का है ये वाला। ये पापा ले आते हैं क्योंकि उनका जो काम है वो OT टेक्नीशियन का है, इस वजह से उनको मिल जाते हैं काफ़ी चीज़ें। तो ये मेरी मेहंदी हो चुकी है रेडी, अभी इसको ओवरनाइट रखूँगी, कल सुबह लगाऊँगी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है बालों को अच्छा करना है तो। और सो अभी मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए क्योंकि यहाँ पर अच्छे तरह से हो गई है, थोड़ी सी थिक है, और यहाँ लगा भी ली मैंने। शावर कैप अभी पहन लूँगी, उसके बाद इसको दो से 2.5 घंटे रख के वॉश कर दूँगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या रिज़ल्ट रहा मेरे मेहंदी लगाने के बाद। और क्योंकि ये सब प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है, वीडियो काफ़ी क्लियर हो जाती थी। सो अभी मेरे को बहुत लंबा बैठना पड़ेगा क्योंकि इसको लगा के लेट तो सकते नहीं है, और मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है क्योंकि लास्ट में मेहंदी कम रह गई थी और मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया तो ये साइड साइड से बह के आ रही है बार बार। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, मिलिए नेक्स्ट वीडियो।